नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाड़े कोचिंग वैसे बहराइच में। डॉक्टर रामन लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से जो है रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ये आज की डेट में निकल के आई है, जो है 14 अप्रैल 2021। ये देखिए आप, ये नोटिस जारी की गई है, तो देखते हैं इस नोटिस में क्या है। देखिए, काफ़ी चीज़ें चेंज की गई हैं। 3:30 बजे जो है बैठक हुई, और उस बैठक में जो निर्णय लिए गए, उन निर्णय के संबंध में जो है आदेश जारी किया गया है। और आदेश जारी किया गया तो इसकी मुख्य बातें क्या है, उन बिंदुओं पे हम लोग विचार करेंगे और देखेंगे कि इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है। तो पहली बात तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा है कि ये 16 अप्रैल से जो है 2 मई तक आपके विद्यालय बंद रहेंगे। 16 अप्रैल से जो है 2 मई तक के विद्यालय बंद रहेंगे, और उस बीच में सिर्फ ऑनलाइन पठन पाठन किया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी, यानी ऑफलाइन क्लास आपकी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। ठीक है, ये चीजें निकल के आ रहे हैं स्टूडेंट के लिए खासकर। और जो लोग कॉलेज के एम्प्लॉय होंगे वही लोग जाएंगे, और कोई वहां नहीं जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट निकल के आया, जो हॉस्टल में स्टूडेंट रहते थे उन्हें 48 घंटे का टाइम दिया गया है, वो 48 घंटे में अपने घर तक चले जाए। ये 2 चीजें स्टूडेंट्स के लिए निकल के आई हैं। और जो वार्डन है वो छात्रों को जो है उनका जाना सुनिश्चित करें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, और ऑनलाइन माध्यम से उनकी पढ़ाई करवाई जाएगी। तो ये 2 चीजें महत्वपूर्ण खबरें निकल के आ रही है। बाकी आप जाके यूनिवर्सिटी की साइट को विजिट करके वहां से देख सकते हैं, आप इस पूरी नोटिस को देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर जो है दी गई है। तो 2 चीजें, पहली बात तो 16 अप्रैल से आपका 2 मई तक विद्यालय पूरी तरीके से बंद है, महाविद्यालय। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन क्लास आपको रेगुलर प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से, इसलिए आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी, पूरी तरीके से आपका सहयोग किया जाएगा, आप लोग का पूरी तरीके से कोई पढ़ाई बाधा जो है उसमें नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।